हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल देसी न्यूज़ के दोस्तों मौसम बदलने से सबसे आम बीमारी जो आम लोगों के बीच में होती है वो होती है बुखार की और बुखार में भी जो डेंगू बुखार है इसका आम होना जब भी मौसम चेंज होता है ख़ासकर जब गर्मियों से सर्दी की तरफ हम जाते हैं तो इस बीमारी से ज़्यादातर लोग ग्रसित हो जाते हैं गर्म स्थानों पर या जहाँ पर ज़्यादा पानी का एरिया होता है वहाँ पर डेंगू जैसी बीमारी का होना आम हो जाता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंगू बीमारी कैसे होती है इसके लक्षण क्या हैं कारण क्या हैं और इसका घरेलू इलाज क्या है जिसके थ्रू हम इस बीमारी से इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं डेंगू क्या होता है डेंगू एक तरह का वायरल बुखार है या जिसको हम वायरल संक्रमण भी कह सकते कह सकते हैं जो एडीज़ नाम के मच्छर के काटने से होता है ये किसी भी व्यक्ति को जिसको डेंगू हो जाता है अगर वो दूसरे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता बल्कि अगर वही मच्छर जो एडिज़ नाम का मच्छर होता है अगर वो मच्छर एक डेंगू वाले पेशेंट को काट कर किसी दूसरे पेशेंट को या किसी दूसरे पर्सन को काटता है तो उसको भी डेंगू हो जाता है इसके साथ साथ अगर हम इसके डेंगू के कारण की बात करें तो डेंगू बुखार मुख्य रूप से जैसे मैंने आपको बताया है एडीज परिवार के जो मच्छर होते हैं उनकी वजह से फैलता है या उनके काटने की वजह से फैलता है ये चार तरह का डेंगू होता है डैन वन डेन टू डेन थ्री और डैन फोर इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डेंगू बुखार के लक्षण की तो अचानक तेज बुखार का आ जाना बुखार एक सो, एक सौ दो एक सौ तीन यहाँ तक है कि एक सौ पाँच फॉरन हाइट तक भी बुखार पहुंच जाता है शरीर पर छोटे छोटे रेशेज बन जाना जो जैसे खसरे के लाल निशान होते हैं काइंड kind ऑफ of, और थकान का ज़्यादा होना सिर दर्द खासकर आंखों के पीछे ज़्यादा दर्द महसूस होना जोड़ों में तेज दर्द होना मांसपेशियों में तेज दर्द होना उल्टी होना इसके साथ साथ जो खांसी का आना गले में खराश नाक में भारीपन का एहसास होना ये सारे जो लक्षण हैं वो डेंगू के हैं इसके साथ साथ इसके अगर हम डेंगू के घरेलू उपचार की बात करें तो आप इजिली इस बीमारी से बच भी सकते हैं अगर आपको डेंगू नहीं भी हुआ है तो आप इस बीमारी से दूरी बना सकते हैं दूरी कैसे बनानी है जो घर की कुछ एक चीज़ होती हैं जैसे तुलसी के पत्ते हैं कीवी है बकरी का दूध है सेब का जूस नीम के पत्ते अनार का रस या विटामिन के वाले वेजिटेबल्स या फ्रूट्स इनका अगर हम सेवन करते हैं तो हम डेंगू बीमारी से बच सकते हैं किस तरह से हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस बहुत ही आसान है अगर हम बात करें मेथी के पत्तों की मैं अलग अलग आपको कुछ एक घरेलू टिप्स बताऊँगा घरेलू चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ करके आप इस बीमारी से ईज़िली बच सकते हैं सबसे पहले आते हैं मेथी के पत्ते मेथी के पत्तों का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डेंगू बुखार में या डेंगू बुखार से बचने के लिए आपको एक चम्मच मेथी के पत्ते लेने हैं पहले उनको आप सुखा लें अगर सूखे हुए मेथी के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद में आपको लेना है एक गिलास पानी मेथी के पत्तों को थोड़ा सा पहले आप उनको रोस्ट कर लें और उसके बाद में आप उनका पाउडर बनाएं पाउडर बनाकर आप एक गिलास पानी में एक चम्मच मेथी के पत्तों का जो पाउडर है उसको डालकर अच्छी तरह से उबालें फिर उस उबले हुए मेथी के पानी को छान लें और उसको चाय की तरह सिप सिप करके आपको पीना है यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के लिए दूसरे नंबर पर पपीते के पत्ते एक मुट्ठी पपीते के पत्ते आधा कप पानी और आधा चम्मच शहद का यूज़ करके आप डेंगू जैसी बीमारी का इलाज पपीते के पत्तों से कर सकते हैं कैसे करते हैं आपको एक मुट्ठी पपीते के पत्तों को पीस लेना है पीस कर उसका किसी भी तरह से आपको निकाल लेना है अर्क जो अर्क होता है उसी का हमने सेवन करना है अगर कोई भी व्यक्ति जो डेंगू से ग्रसित है वो उसका सेवन करता है तो इसका अर्क बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कई बार इसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच शहद भी मिलाकर पी सकते हैं डेंगू फ़ीवर का इलाज घरेलू इलाज पपीतों के पत्तों का जो उपयोग होता है ये पुराने समय से होता आया है पपीते की पत्तियों के अर्क में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो डेंगू फीवर का कारण बनने वाले बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करके डेंगू बुखार के उपचार में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं साथ ही साथ ये अर्क प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है उनको भी बढ़ाता है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और जो न्यूट्रोफिल की संख्या होती है उनको भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों गिलोए के पत्ते आपको क्या करना है गिलोए के पत्तों का अर्क अगर आप निकाल सकते हैं तो आप उनका भी यूज़ कर लें जिस तरह से आप पपीते के पत्ते का अर्क निकालते हैं अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो गिलोय का रस आपको मार्केट में भी मिल जाएगा एक कप हल्के गुनगुने पानी में या गर्म पानी में आपको एक ढक्कन या पाँच से हंड्रेड मिलीग्राम जो गिलोय के पत्ते का जूस है उसको मिलाकर सिप सिप करके पीना है डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप गिलोई की टैबलेट या कैप्सूल का सेवन भी कर सकते हैं इसके साथ साथ हमारे घरों में मौजूद तुलसी की पत्तियों का सेवन भी डेंगू बुखार को दूर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है एक मुठ्ठी तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं उनको अच्छी तरह से पीस कर उनका जूस निकाल लें अब इस जूस का सेवन करें रोज़ाना सुबह के समय तुलसी के पत्तों के जूस का सेवन करने से डेंगू जैसी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बकरी का दूध भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है एक कप बकरी का दूध या तो आप जैसे ही ताज़ी दूध निकलता है उसको एज इट इज़ पी लें या फिर आप एक कप बकरी का दूध गर्म करें थोड़ी देर दूध को ठंडा होने के लिए रख दें जब वो पीने के लायक हो जाए तो आप उसको पी सकते हैं नीम के पत्तों का भी यूज़ किया जाता है डेंगू जैसी बीमारी से बचने के लिए पंद्रह से बीस नीम के पत्ते एक कप पानी और थोड़ा सा शहद इनका यूज़ कर सकते हैं आप एक कप पानी में नीम के पत्ते डालकर उसको उबाल लें अब नीम के पानी को छान लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें जब नीम का पानी गुनगुना हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर ज़रूर पीएँ ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है डेंगू जैसे बुखार को दूर करने के लिए सो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आप भी डेंगू से बचना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी चीज़ का नॉर्मल व्यक्ति भी यूज़ कर सकता है और अगर किसी को आसपास या आपको खुद डेंगू है तो आप उसके इलाज के लिए इन घरेलू उपचारों का यूज़ कर सकते हैं कोशिश करें कि जब भी आपको लक्षण दिखाई दें तो आप डॉक्टर से जरूर परामर्श करें और इन सारी चीज़ों के बारे में भी जो हमने डिस्कस की है इस वीडियो में अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें धन्यवाद